तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राधे श्याम भावसर। आज मैं आपके लिए जॉर्जेट की साड़ी है, बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी साड़ियों में सबसे सेंसिटिव साड़ी है और सबसे ज़्यादा इसका जो क्लॉथ है वो सेंसिटिव है। तो इस साड़ी को हम घर पे किस तरह से वॉश कर सकते हो, या आप न्यू लॉन्ड्री ओनर हो, विदाउट किसी केमिकल के, ज़्यादा हार्ड केमिकल के, विदाउट किसी इक्विपमेंट के, आप किस तरह से इसे वॉश कर सकते हो, मैं आपको ये पूरी वीडियो दिखाऊंगा। तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिए, और कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, ये साड़ी अगर मैं ड्रायर में अगर डालता स्पिन करने के लिए, तो ये कलर 100% यहाँ पे लग जाता।
तो मैंने इसे इस तरह से सुखाई है, जो कलर लाइट कलर डार्क कलर लाइट कलर में मिक्स ना हो, इस तरह से इसे सुखाई है। ऐसे ही आप ज़मीन में सरफेस एरिया पे पूरी साड़ी ऐसे बिछा सकते हैं। जॉर्जेट का कपड़ा है, इसके ऊपर के जो स्टेन होते हैं उनको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग नहीं करना है, नहीं तो वो उतना जो कलर होता है डार्क जो कलर होता है वो पूरा लाइट हो जाता है। तो इस तरह से हमें इसे मैन्युअली वॉश करना है। घर पे भी आप इसे आसानी से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा केमिकल्स मैंने इसमें यूज़ नहीं किए हैं क्योंकि ये बहुत ही सेंसिबल कलर है और क्लोथ भी काफ़ी सेंसिटिव है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस मैं रेगुलरली लाता रहता हूँ। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।